गिरने से जो फ्लैट्स का रास्ता बंद हो गया है। आपको बता दें कि रास्ता गिरने के कारण फ्लैट वासी मुख्य सड़क से कट गए हैं। गौरतलब है कि 84 वर्ष की महिला रास्ता न होने की वजह से फ्लैट में ही कैद होकर रह गई है। उनका बेटा जो है जान हथेली पर रखकर जो है पगडंडियों से होता हुआ उन्हें राशन घर तक ले जाया गया। तो ऐसे संदर्भ में कई बार NHAI को सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन NHAI के अधिकारियों ने उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग पाई है। और NHAI की दीवार गिरे हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। और उस बुजुर्ग माता के ऊपर मतलब मुझे फख्र है कि इतना हौसला रख के वो माता ऊपर बैठी है कि चलो परमात्मा जब भी करेगा तभी ठीक करेगा। लेकिन कुछ NHAI वालों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कोई इनको इनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती हैं। कभी फ़ोन उठाएंगे फिर झूठ बोल देंगे भी ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी। मौके पे आके देखते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। मदद चाहता हूँ उस बुजुर्ग महिला के आने जाने के लिए, उसका रास्ता बनाएं, उसको खोलें। इसका जिम्मेवार मैं पूरे का पूरा 100% 100% NHAI को मानता हूँ। NHAI का डंगा लगाने का तरीका बिल्कुल गलत है। परवानू से लेके सोलन तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना गिरा इनके डंगे में क्रैक ना आए हों। एक कॉन्ट्रैक्टर है गणेश जी, 2 दिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मुझे कहा कि आपके वहाँ पे हम RCC की वॉल लगा रहे हैं और हमने उसकी फाउंडेशन तैयार कर दी है। आज मैं आके देख रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और ये JCB मशीन भी अभी आई है। तो ये रिटेनिंग वॉल RCC की बना के जल्द से जल्द हमारा रास्ता खोलें। ये इंतजार कर रहे हैं कि बारिशें शुरू हो जाए, इनको एक नया बहाना मिल जाए कि बारिशें शुरू हो गई। आज 8 दिन हो गए कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन इन्होंने बस 2 घंटे के लिए JCB लगाई। आई तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।